हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज मेरे सामने खड़ी है N150 और इसका बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं एक राइड रिव्यू। सारी की सारी चीज़ें मैं हैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर आपको ऑफर करी जाती हैं, चलने में कैसी है, क्या आप लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए। और ये बाइक सीधा सीधा उन लोगों को टारगेट करने वाली है, फॉर दोज पीपल जिसको एक कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक चाहिए ना भाई, तो उन लोगों के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक रह सकती है मेरे हिसाब से, जिस प्राइस रेंज में है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉस्ट बता देता हूँ इस बाइक की, जो एक्स शोरूम पड़ेगी 1,17,670 रुपए आप लोगों को एक्स शोरूम देने पड़ेंगे इस बाइक के लिए। बाकी कुछ देख सकते हो भाई, मतलब पूरी की पूरी N160 जैसी आप लोगों को सिमिलर लुक्स और डिजाइन सारे के सारे मिल जाते हैं, और काफी फीचर्स भी आप लोगों को अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं और बाइक को चलाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। 3 कलर्स हैं, आप लोगों के लिए फोटो अटैच कर दूंगा या फिर देख लेना, आप लोग मेरी बाकी वीडियोज भी देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो पैर का हिसाब बता दूँ, 790 mm के पास आई थिंक इसकी जो है सीट हाइट रहने वाली है, तो काफ़ी ठीक है। लाइक अगर आप लोग एक शॉर्ट राइडर भी हो ना, तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को नहीं मिलेगी, आराम से आप तो आराम से बैठ सकते हो। तो इसको अब चलाते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, एज़ जैसा कि बजाज अपनी काफ़ी बाइक्स में ये चीज़ कर रहा है, जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम था ना बजाज की, भाई ये चीज़ तो मतलब आपको विरासत में मिलने वाली है, वो थी वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस पे बहुत कंट्रोल किया है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। लाइक मैं अभी 3000 RPM पे चल रहा हूँ, आपको डेफिनेटली बिल्कुल भी वाइब्रेशंस जो है ना फील नहीं होने वाली। अगर मैं लेके थोड़ा सा हाई RPM पे चलता हूँ, लाइक मैं आप लोगों को 7000 पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही। अगर आप लोग 7000 के पार ले जाओगे, 8000-9000 पे ना, तब जाकर के आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन जो है वो फील होने वाली है, अदरवाइज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाली। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, इसका पोस्चर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई। एज कम्यूटिंग बाइक है तो भाई आप लोगों के लिए इतना तो रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली, तो चलाने वाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी फेस नहीं करने को मिलेगी इस बाइक के अंदर, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर बात करी जाए बाकी चीज़ों के बारे में जो कि मुझे लगा, सबसे पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। फॉर डेली कम्यूटिंग ये बाइक आप लोगों को ना 3000 से 3500 RPM पे ही क्या है ना, बहुत अच्छा टॉर्क जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर रही है। 13.5 Nm का टॉर्क मिलता है और 14.5 BHP का पावर, तो इनिशियली पावर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग भगाओगे ना, तो आपको ऐसा कहीं पे भी फील नहीं होगा कि पावर नहीं है, पावर लैग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप लोगों का जो इनिशियली है वो भी बहुत अच्छा है, और थोड़ा बहुत मिड रेंज है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, थोड़ा सा हाई रेम में जब जाएगी ना 7000-8000 RPM पे फिफ्थ गियर में, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पावर मतलब खत्म सी लग रही है, बट ठीक है, इसमें ऐसा सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली जो है राइड कर सकते हो। और उसी के साथ अब बात करते हैं भाई इस बाइक की दूसरी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मुझे मीटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका देखने में, ये एनालॉग मीटर ना बहुत ही प्यारा है भाई। मतलब ऑलमोस्ट का अब कितना ही डिजिटली ज़माना आ जाए, कितना ही आप लोगों को डिजिटल मिल जाए, बट जो मज़ा इसमें, जो स्वाद इसमें आप लोगों को मिलता है ना सेमी डिजिटल कंसोल में, वो आपको किसी में नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये कम है या फिर फीचर्स वाइज, बिकॉज बजाज की जो पुरानी बाइक्स आती थी उसमें तो फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं देते थे, बट ये 150cc होने के बावजूद भी आपको बहुत अच्छे फीचर्स जो है प्रोवाइड करती है। फ्रंट में आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिल जाती है, उसी के साथ हैलोजन इंडिकेटर्स हैं। रियर में जो है टेल लाइट आप लोगों को मिलती है जो कि LED रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे बाइक के अंदर गियर इंडिकेटर है, आप लोगों का बाइक का क्या कहते हैं जो स्पीडोमीटर है वो हो गया, ट्रिप कितना है, चलेगी कितना, मतलब DTE जो है वो आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है, फ्यूल हो गया, तो ये सारी फीचर्स जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे, जो कि पर्सनली यहाँ से आप लोग जो है सारा का सारा सेट कर सकते हो जो भी चीज़ें जो है आप लोगों को देखनी है। स्विच क्वालिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ या फिट एंड फिनिश के बारे में बात करूँ, बजाज की बाइक्स में इस चीज़ का बहुत प्रॉब्लम रहता था, स्पेशली अगर आप RS और NS को देखोगे ना, उनमें तो नेक्स्ट लेवल का ही है, मतलब फिनिशिंग अजीब सी मिलती है, बट इनमें ना कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, काफ़ी अच्छी जो है फिनिशिंग दी गई है, कहीं पर भी अनइवन आपको गैप्स नहीं मिलेंगे या फिर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि चीपर क्वालिटी को यूज़ किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बटन्स देख लो, स्विचेस देख लो, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम जो है ना वो आप लोगों के लिए यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। उसी के साथ टायर के बारे में बात करूँ, अगर आप लोग इसके टायर को देखते हो तो भाई टायर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब अगर आप लोग जिगजैग करना चाहो डेली, कहीं पे भी आपको जिगजैग करने की ज़रूरत पड़ती है, आप इजीली कर सकते हो। टायर की ग्रिप भी ना बहुत अच्छी प्रोवाइड हो रही है, कहीं ऐसा फील नहीं है कि भाई कहीं मैंने क्या कहते हैं कटिंग मारी और मेरा काम हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छी तरीके से हल्का फुल्का अगर आप लीन भी करना चाहोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को नहीं मिलने वाली। बहुत ही प्यारा इंजन है भाई, क्या स्मूथ है यार, क्या स्मूथ है, लिटरली मज़ा आ गया भाई, कसम से बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत प्यारी है। अब यहाँ पर देखो भाई, थोड़े बहुत झटके आए बम्स का, मैं आपको सस्पेंशन का भी बताता हूँ। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फ्रंट में मिलते हैं, रियर में मोनोशॉक एब्जर्वर्स मिलते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं भाई, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। फ्रंट का सस्पेंशन आपका बहुत अच्छा है। रियर के सस्पेंशन के बारे में बात करूँ, होता क्या है,
मोस्टली ऑफ द टाइम आप सिंगल अगर बैठ करके चला रहे हो तो आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा, बट अगर आपके साथ फैमिली चल रही है या फिर अगर आप क्या कहते हैं पिलियन लेके चल रहे हो तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है, और सच में भाई ये ना मतलब इफेक्टिव है कि अगर आप गड्ढे में दो बंदे बैठ के भी जाओगे ना तो रियर भी सस्पेंशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से ना मतलब शॉक को एब्जॉर्व कर लेता, पता ही नहीं लगता कि आप किसी गड्ढे से निकले हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी इस बाइक की। बाकी मैं यहाँ पर अगर ब्रेक के बारे में बात करूँ, फ्रंट बाइट इज़ ऑसम भाई, लिटरली ऑसम, मतलब कैसे आपको समझाऊं, बहुत प्यारी है। 240 mm आई थिंक आप लोगों को शायद फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है, रियर जाओगे तो इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, वो आई थिंक 130 mm के आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। तो नॉन ABS है, मतलब ब्रेक मारते ही भाई स्किड करनी है, आवाज़ आ ही गई होगी आप लोगों को, तो ये चीज़ है। बट कहीं ना कहीं काम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। और थ्रॉटल बहुत लाइट है यार, बहुत मतलब एक्सीलेटर देते ही फील हो रहा है भाई, फील फैक्टर जो है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। क्लच एंड गियर बॉक्स के बारे में बात करते हैं, पहले की जो बदनामी थी बजाज की कि भाई गियर बॉक्स तो एकदम गोबर है, बहुत आवाज़ करते हैं, अटकते हैं, अटकते हैं, ऐसा मैं कितने डाउन शिफ्ट कर लूँ, कितने डाउन शिफ्ट कर लूँ और चाहे मैं कितने अप शिफ्ट कर लूँ, कहीं पर भी रुकने का कोई टेंशन ही नहीं है भाई, मतलब कुछ भी नहीं अटक रहा। देखो ये थर्ड चला गया, ये फोर्थ चला गया, ये फिफ्थ चला गया, मतलब कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि गाड़ी जो है वो अटक रही है, रुक रही है, ऐसा कुछ भी जो है ना आप लोगों को फील नहीं होने वाला। और क्लच के बारे में बात करते हैं, स्लीपर क्लच भले इस बाइक में नहीं आता बट ये इतना स्मूथ है ना भाई, मैं R15 चलाता हूँ, एकदम सेम डिट्टो वैसा है भाई, डिट्टो वैसा है। इससे मतलब आपको क्या है, लाइक अगर आप सिटी में चल रहे हो, मोस्टली ऑफ द टाइम ऐसी बाइक से भाई बंदे सिटी में ही चलते हैं, ऑफिस से क्या कहते हैं घर जाना हो गया, घर से ऑफिस आना हो गया, तो वहाँ पर ये क्लच जो है ना भाई बहुत लाइट है भाई, बहुत लिटरली मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। स्मूथर जो है ना ये स्मूथर साइड वर्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बड़ी लगी। गियर बॉक्स और ये क्लच बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, कोई दिक्कत नहीं आपको, एक उंगली से भी मैं प्रेस करना चाहूँगा, ये देखो एक उंगली से भी मैं प्रेस कर सकता हूँ। और वही अगर मैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ, जो सीट कंफर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा है भाई, बहुत ज़्यादा आराम से बैठा हुआ हूँ, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि बम में दर्द हो रहा है या इधर साइड में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंफर्टेबल सीट पोजीशन है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग फुटपैक भी देखोगे ना तो बिल्कुल एकदम कंफर्ट, एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठी हुई है, जिससे कि आप लोग अगर जैसे डेली अगर आप लोगों को चलना है ना तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और सीट भी बहुत अच्छी है। एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी कि भाई आपको 150cc में ये देखो USB चार्जर भी मिल रहा है, और डायरेक्ट ये वाला नहीं है कि इसके अंदर आप लोगों को स्लॉट दे रखा है अलग से आपको लगवाना पड़ेगा, कंपनी फिटेड आपको मिलेगा, डायरेक्ट अपना सिर्फ और सिर्फ डाटा केबल लगाया और अपना बस एक फोन होल्डर लगवा लो कोई सा भी, और उसके बाद आपका फोन जो है वो चार्ज हो जाएगा, फिर डाटा केबल लगा करके डायरेक्ट क्या कहते हैं जेब में भी रख सकते हो, वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाइब्रेशन में देखो बिल्कुल ही, अब मैं 8000 के पार गया हूँ ना तब मुझे वाइब्रेशन फील हुई है, यहाँ पर आपको हल्का फुल्का वाइब्रेशन है यहाँ पर है, मतलब उससे पहले अगर आप जैसे मैं अभी क्रूज़ कर रहा हूँ, जैसे लाइक मैंने फिफ्थ गियर लगा दिया एंड आई एम 60 या 70 के, ना कोई वाइब्रेशन फील नहीं होने वाली, हैंडल भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है भाई, कहीं पर भी कटिंग मारो कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी मेरे को कि इसका जो टर्निंग रेडियस है ना वो थोड़ा सा कम है भाई, मतलब एकदम हैंडल घुमाओगे ना तो ऐसा लगेगा बहुत कम हैंडल जो है ना वो घुमा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं घुमा, तो वो चीज़ आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। बाकी भाई बजाज बहुत अच्छा वर्क कर रहा है भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बाकी लोगों को मैं कह नहीं सकता, बट जो न्यू जनरेशन की पल्सर्स आ रही है ना भाई उस पर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और आप लोगों को न्यूज़ भी मिली गई होगी कि बजाज जो है वो अपनी और भी नई नई बाइक्स जो है लेकर के आना है, लगभग 5-6 जो है न्यू बिगेस्ट पल्सर जो है वो आप लोगों के लिए आने वाली है, तो वो काफ़ी बढ़िया है। स्विच क्वालिटी यार टू मच फाइन भाई, मतलब इस प्राइस रेंज में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी स्विच क्वालिटी, हॉर्न जो है वो सिंगल ही आपको मिलता है तो ये चीज़ भी है। बाकी एग्जॉस्ट नोट भी इस बाइक की मुझे अच्छी लगी, लाइक जैसे आप इतना सुनसान से हाईवे पे अगर आपको ये थोड़ी सी आवाज़ सुनने को मिलती रहे ना तो आपको चलाने का भी मन करता रहेगा कि चलो भाई मैं चलता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रुकने की ज़रूरत जो है मुझे नहीं पड़ेगी, तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी इस बाइक की। बाकी भाई मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बताई दी है इस बाइक के बारे में, मतलब मेरे तरफ से तो एक अच्छा पैकेज है अगर आप लोग लेना चाहते हो ना, अगर आपका बजट 170,000 के आसपास में है, एक शोरूम मेरे को लगता है कितने में पड़ जाएगी, 135 तक आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, उससे ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी मेरे हिसाब से, बिकॉज बजाज जो है हमेशा कोशिश करता है कि हर सेगमेंट के अंदर वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कराए, चाहे वो कोई सा भी सेगमेंट हो, 150cc हो, 200cc हो, 400cc हो, 400cc हो, किसी भी सेगमेंट में जाओगे ना आपको ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। बाकी एक बार थोड़ा सा भगा के देखते हैं कितना भागती है ये, गई थी अभी ये, काफ़ी बढ़िया भाई, मतलब अमेजिंग है भाई, सच बता रहा हूँ, जो इसका क्या कहते हैं रिलाई जो स्मूथनेस है ना वो बहुत बरकरार है भाई, बहुत ज़्यादा बरकरार है,
स्वाद ही आ जाएगा। मिरर्स की विजिबिलिटी के बारे में भी बात करी जाए, बहुत अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट थोड़ा लुक वाइज मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगे, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। विजिबिलिटी आपको देखो वहाँ पे टेम्पो आ रहा है ना, वहाँ तक मुझे दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है, और ऐसा नहीं है कि पूरा आधा आधा हाथ दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आप लोगों को दोनों चीज़ें जो है वो बराबर दिख रही हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आया, आई लाइक इट, आई लाइक दिस मैन, आई लाइक दिस स्वाद। तो खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और कैसा है आप लोगों का रिव्यूज़ पे आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना, मतलब कैसा आप लोगों को लगता है कि सही बाइक लॉन्च करी है, प्राइस ज़्यादा है, फीचर्स नहीं है, क्या चीज़ की कमी लगती है, वो भी मेरे को आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।